हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। काफ़ी टाइम से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी एक कैप वाला टेडी की, तो आज मैं आपके लिए देखिए पिंक कलर का एक कैप वाला टेडी लाई हूँ। पैटर्न आप जानते हैं, मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा देखिए, ये सबसे पहले वीडियो। आपको चाहिए मटेरियल, उसके बाद आपको चाहिए फैब्रिक। फैब्रिक में मैं ये कारपेट फर है, कारपेट फर से बना रही हूँ। ये मैं ले रही हूँ 1 मीटर और मैं ले रही हूँ पिंक कलर। आप अपनी कलर चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके अलावा मैं प्रिंटेड, देखिए, नाइलेक्स ले रही हूँ जो मैं इसमें कैप वगैरह में यूज करूंगी। ये मेरे पास इस तरह का नाइलेक्स है, आपको जो अवेलेबल होता है आप वो ले सकते हैं। ये मेरे को आधा मीटर चाहिए। उसके अलावा 15 सेंटीमीटर के करीब मेरे को ये कोई वाइक चाहिए, ये भी आप नाइलेक्स ले सकते हैं, ये इस तरह का। और ये ब्लैक चाहिए मेरे को नोज बनाने के लिए, ये भी आप नाइलेक्स ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी नोज मिल जाती है रेडीमेड वाली, वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा पेन पेंसिल, टेलर चॉक मार्क करने के लिए, सीजर कट करने के लिए, सुई धागा, देखिए, सिलने के लिए मशीन से भी सिल सकते हैं। मैं मशीन से ही सिल रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है ये। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ब्लैक भी ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं। और ये टेडी की आईज और इसके वॉशर्स। उसके अलावा पॉली फाइबर, फाइबर वुल, इसमें कोई 500 ग्राम के करीब। सबसे पहला काम होता है पैटर्न को कपड़े पे मार्क करना। तो सबसे पहला जो, देखिए, ये जो है, ये क्योंकि फर में आप बनाएंगे या किसी में भी बनाएंगे, तो मेरी कटिंग्स में आपको ये एरो मिल जाएगा। देखिए, इस तरह का ये एरो है, ये डायरेक्शन होती है फर की। तो यानी कि आप जब भी मार्क करें तो इसको इसी तरह से रख के करें, क्योंकि डायरेक्शन एरो नीचे की तरफ है। तो इसी तरह से, अब ये दो आपने काटने हैं, दो पीसेस आपने लेने हैं, वन रिवर्स है, टोटल 2 पीसेस है और एक जो है वो रिवर्स काटना है। तो यानी कि एक पीस इस तरह से रख के मार्क करेंगे, दूसरे को हम ऐसे यहां पर पलट देंगे और रिवर्स वाला पीस आ जाता है, उसको हम मार्क करेंगे। अब सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन चेक करनी है। देखिए, ये कारपेट में भी डायरेक्शन होती है, आप फर में भी देखेंगे, इसमें कारपेट में ये आपको साइड से नजर आ जाएगी। देखिए, नीचे की तरफ है ना, तो इसको मैं अपनी तरफ बिछाऊंगी, इस तरह से बिछा के, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये मेरी तरफ है, नीचे की तरफ। तो उसी हिसाब से मैं फिर इसको पीस को रखूंगी एरो के हिसाब से। तो एक पीस मैंने, देखिए, इस तरह से रखा है और फिर इसको पेन से मार्किंग कर दी है, ठीक है। दूसरा पीस इसी का रिवर्स है, इसको मैंने यहां पलट दिया और यहां पर रख के और फिर यहां मार्किंग कर दी। अब जितने भी आपने मार्क किए हुए हैं कटिंग में आपको मिल जाएंगे, जो नाइलेक्स में करने और जो इसमें करने, इनको मार्क करने के बाद में आप कट कीजिए। तो इनको सीजर से आप इस तरह से पीसेस को अलग से कट कर लीजिए, इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए सारे पीसेस की। देखिए, कटिंग हो गई है, अब इसको हम ज्वाइन करना शुरू करते हैं। देखिए, ये इसकी सेंटर बॉडी है, ये हमने एक पीस काटा है इस तरह से, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे का हिस्सा है, वो ऊपर का हिस्सा है। अब आपने क्या करना है, इसमें यहां पर हम जोड़ेंगे लेग दोनों साइड से और यहां जोड़ेंगे हैंड्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये है इसकी लेग। अब ये लिख रखा है L1 और L2, यानी कि आपको ये पता चलेगा कौन सा साइड L1 है, कौन सा साइड L2 है। यहां भी लिख रखा है मैंने L1 L2। इसको आपने यहां पर ज्वाइन करना है इस तरह से राउंड में, इसको यहां से इस तरह से जोड़ देना है। दोनों साइड पे जुड़ेंगे ये, एक वाला इस साइड से और एक वाला इस साइड से। इसी तरह से आपने ये हैंड्स लेना है, ये हैंड्स भी आपके यहाँ पर जुड़ेंगे। इसमें भी H1 H2 H1 H2 लिख रखा है, तो ये यहाँ पर जुड़ेगा इस तरह से यहाँ, और दूसरा वाला साइड आप यहाँ रख के जोड़ लेंगे। तो अब इनको हमने ज्वाइन, देखिए, अब कपड़े में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला पीस इस तरह से रखेंगे, ये L1 और नीचे वाला L2 है, तो इस तरह से रखेंगे। देखिए, इस तरह से राउंड में लेके पूरा ये यहाँ पर इस तरह से आप जोड़ेंगे। इसी साइड दूसरा साइड भी इसी तरह से जुड़ेगा, हैंड को भी आप इसी तरह से रखेंगे H1 H2 के हिसाब से। ये देखिए, इस तरह से करके ये पूरा इस पे फ्रंट बॉडी पे ये दोनों साइड इस तरह देखिए, से जुड़ इसकी बैक जाएगा। बॉडी है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो ये हमने 2 पीसेस काटने हैं। अब दोनों पीसेस को आपने इस साइड में आपस में ज्वाइन कर लेना है, ये वाला साइड जो है आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो इन दोनों को हम इस तरह से रखेंगे और यहां पर आप सिलाई लगा दीजिए, आपस में ज्वाइन कर दीजिए ये वाला पोर्शन।
अब देखिए ये हमने दोनों बॉडीज़ जो है जोड़ दी है, ये बैक बॉडी भी जुड़ गई है और ये फ्रंट बॉडी में हमने लेग्स और हैंड्स भी जोड़ दिए। अब इसको आपने आपस में दोनों बॉडीज़ को जोड़ना है। देखिए इसको इस तरह से बिछाएंगे आप, ये जो बैक बॉडी है इसके ऊपर रखेंगे हम ये फ्रंट बॉडी। अब देखिए ये जो कॉर्नर है ना ये बिल्कुल सेंटर पे जॉइन होगा, ये आपने ध्यान रखना है। ये कॉर्नर से लेके इस तरह से सीधा और फिर जो लेग का पोर्शन है वो हम इस तरह से देखिए पूरा आ जाएगा, इस तरह से आपने ये जॉइन करना है। सेम चीज़ आपको दूसरी साइड भी अप्लाई करनी है, देखिए इस तरह से, और ये लेग लिया और यहाँ से जॉइन कर दिया, ये इस तरह से पूरा नीचे का पोर्शन जुड़ जाएगा। उसके बाद आते हैं ऊपर के पोर्शन पे। तो देखिए ऊपर के पोर्शन पे अब जो ये वाला साइड है लेग का, ऊपर वाला जो नेक्स्ट वाला साइड नीचे तो जुड़ गया है, अब जो ऊपर वाला साइड है इसको जोड़ेंगे हम देखिए यहाँ पर, और फिर राउंड लेते हुए हम इसकी जो ये हमने बाजू लगाई थी वो हम पूरे राउंड में देखिए यहाँ से लाएंगे और पूरे राउंड में इस तरह से जॉइन करेंगे। और ये ऊपर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कट सा है आपको नज़र आएगा, वहाँ तक आपने ये लेना है। तो फ्रंट बॉडी का भी थोड़ा सा हिस्सा और हैंड्स का हिस्सा ये पूरा इसमें राउंड से जुड़ जाएगा। तो ये आपको दोनों साइड से जोड़ना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इस तरह से जुड़ेगा फिर यहाँ जुड़ेगा, ये वाला पोर्शन छूट जाएगा और नीचे से नीचे वाला भी पोर्शन जुड़ जाएगा। देखिए अब ये हमने बॉडी का पोर्शन जोड़ दिया है पूरा, इस तरह से आया है। अब जो ये नीचे का देखिए लेग का हिस्सा है ना, इसमें आपने फुट पैड जोड़ने हैं दोनों साइड से। तो सीधा वाला पोर्शन अंदर की तरफ और उल्टा वाला बाहर की तरफ, इस तरह से आप दोनों फुट पैड दोनों साइड में जॉइन कर, पैड भी लग गए हैं दोनों। और उसके बाद में ये है इसका जो टेडी का बॉडी है वो बन के बिल्कुल रेडी। ये फेस है, ये भी हमने दो पीसेस काटे हैं, और ये इसका बैक हेड है, ये भी हमने दो पीसेस काटे हैं। तो जो बैक हेड है इसको देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है जॉइन, तो इसको आपस में यहाँ जॉइन कर लीजिए। तो जो बैक हेड है इसको, जो ये छोटा वाला हिस्सा है, जो छोटा वाला पोर्शन है, इसको यहाँ पर आप सिलाई लगा दीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में लेते हैं हम ये फेस। फेस में देखिए यहाँ पर तो ये डार्ट है, ये जो डार्ट है ये दोनों में आपको इस तरह से करके यहाँ सिलाई लगा दीजिए, और जो दोनों फेस है उसको यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए आपस में यहाँ पर। तो इसको इस तरह से रखेंगे, पहले तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से करेंगे और ये डार्ट सिल लेंगे दोनों में। उसके बाद में आप इसको इस तरह से रखिए और यहां सिलाई लगा दीजिए, ये ज्वाइन कर दिया हमने यहां पर सेंटर में, यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है, ये फेस इसका ज्वाइन हो गया है। और इसी तरह से बैक में मैंने यहां पर सिल दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको आपने इसमें जोड़ना है, यानी इस फेस को आप इस तरह से रखिए ऐसे, और उसके ऊपर आप ये रखेंगे उल्टा। अब आपने ये देखना है, देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है, यहां पर मैं आपको लिख दूंगी, ये सी है और ये डी है, तो ये सी है और ये डी है। तो कौन सा पोर्शन आपका सी वाला पोर्शन है, देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, जब मैंने मार्क किया था ना तभी मैंने लिख दिया था सी, ठीक है। तो ये इस तरह से है सी वाला पोर्शन, तो आपने ये सी से डी ज्वाइन करना है, यानी कि ये जो दो साइड है ना इनको आपने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा और उसके बाद में ये यहाँ ज्वाइन होएगा, तो ये आपने दोनों साइड से ज्वाइन कर लेना है। अब ये इसका साइड हमने सिल दिया है, तो ये बैक हेड और फेस रेडी हो गया है। अब इसमें हमने मजल लगाना है, देखिए ये जो राउंड है इसमें हमने ये मजल लगाना है। अब ये मजल में सबसे पहले तो आप ये दो जो इसके डार्ट्स हैं साइड में, ये दो डार्ट्स हैं देखिए, इनको आपस में सिलिए, इस तरह से सिलाई लगा दीजिए और इसको इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। इसको सिलने के बाद में आप इसका एक सेंटर निकाल लीजिए यहाँ पर, ये सेंटर आपने यहाँ से ज्वाइन करना है, यहाँ से ज्वाइन करना है, ये जो डार्ट है ये यहाँ तक आ जाएगा आपका, इस तरह से ये डार्ट यहाँ बंद हो जाएगा, ये इस तरह से राउंड में आ जाएगा, यानी जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये डार्ट बंद हो गए होंगे, ये आपने इस वाले पोजिशन पर ज्वाइन करना है। ये मजल ज्वाइन कर दिया है, अब इसको आपने इस तरह से आपस में ज्वाइन करना है, देखिए यहां से, अब यहां से लेकर यहां तक ज्वाइन करना है। उसके बाद इस राउंड में हम इसकी नोज लगाएंगे, ये ज्वाइन कर दिया है। अब जो ये वाला हिस्सा है, ये जो हमने सर्कल देखिए यहाँ पर, ये जो राउंड हिस्सा है, इस राउंड वाले हिस्से में हम ये मैंने ब्लैक कलर का काटा है सर्कल, इसको यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो इसको यहाँ से आप
इस तरह से करके राउंड में यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए अब ये नोज लगा दी है, ये इस तरह से नोज आ गई है इसकी, ये नोज बन के रेडी हो गया है, इसका मंजिल भी नोज भी। अब ये फेस हमारा रेडी है, अब हम इसकी कैप बनाते हैं, जो ऊपर हमने कैप लगानी है वो बनाते हैं। देखिए कैप बनाने के लिए एक तो ये हमारे पास कटिंग है, ये इस तरह की ये कटिंग्स है। देखिए इसको आपने क्या करना है, इसको हमने पहले तो हम इसको यहाँ पर आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। ये हमने दो पीसेस काटे हैं, देखिए ये दो पीसेस हमने काटे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इनको आपस में जोड़ दीजिए, जैसे इसको यहाँ पर जोड़ दिया और इसको यहाँ जोड़ दिया। इसके बाद में आपने यहाँ सिलाई लगानी है, किनारे पे सिलना है, थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा यहाँ की जगह, यहाँ पर जब आप इसको जोड़ देंगे ना ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा छोड़ देना है, इतना पोर्शन छोड़ देना है, बाकी इसका राउंड पूरा सिल लेना है। इसको सिलने के बाद में हमारे पास ये एक पट्टी है, देखिए ये पूरी पट्टी है, ठीक है। इस पट्टी को भी आपने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ ज्वाइन करना है। जब ये यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, जब इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसके ऊपर हमने ये सर्कल लगाना है, जैसे हम फुटपैड लगाते हैं ना वैसे आपने ये सर्कल इस तरह से राउंड में सिल देना है। तो ये वाला पोर्शन जो है जब इसको यहाँ जोड़ देंगे ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर ये रख के और सर्कल में सिल दीजिए। देखिए अब मैंने ये दोनों जोड़ दिए हैं, इसको सीधा कर लिया। इसको सीधा करने के बाद ना थोड़ा इसको हाथ से या किसी सीजर वगैरह से आप इस तरह से सीधा कर लीजिएगा, इस तरह से राउंड में ऐसे सीधा कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा हमने ओपन छोड़ा है यहाँ पर। अब देखिए ये वाला भी बना लिया है मैंने, ये जोड़ के और ऊपर ये लगा दिया है। अब इसमें जो ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट है, इस जॉइंट को हम इस जॉइंट से जोड़ना शुरू करेंगे। तो आपको इसको इस तरह से जोड़ना है, इसको इस तरह से रखिए। देखिए ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट है, इसी जॉइंट पे आप ये रखेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से बिल्कुल, और यहां पर मशीन लगा देंगे इस तरह से करके। ये पूरे राउंड में जो ये वाला राउंड वाला हिस्सा है ये इस पूरे राउंड में आप ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये कैप बन के रेडी हो गई है, ये हमने इसको जोड़ दिया है और उसके बाद में मैंने इसको सीधा कर लिया, ठीक है। ये कैप इसकी बन गई है। अब इस कैप को हमने इस बैक हेड पे जोड़ना है, तो आपने क्या करना है, देखिए ये फ्रंट साइड है इसका, ठीक है, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड। ये ध्यान रखिएगा कि ये मजल वाला नीचे का साइड है, ऊपर फोरहेड की साइड में आपने ज्वाइन करना है। तो फोरहेड की साइड से हम इसको उल्टा करेंगे। ये देखिए ये जो सेंटर वाली इसकी लाइन है ना, सेंटर वाली बैक हेड की, इसको हमने यहां से ज्वाइन करना है। अब जो ये हमने यहाँ ज्वाइन लिया है ना, इसका जो ज्वाइंट है, ये जो इसका ज्वाइंट था यहाँ पर हमने खुला भी छोड़ा है, ये यहीं से हम ज्वाइन करेंगे। अब वो करना कैसे, देखिए इस कैप को आपने इस तरह से लेना है, इसको नीचे की तरफ कर दीजिए, जो ये फ्रिल है इसकी इसको नीचे की तरफ कर लीजिए। अब ये जो जोड़ है, देखिए ये जोड़ है, ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को मैं इस बैक साइड के जॉइंट से जोड़ना शुरू करूंगी। इसको मैंने इधर की तरफ छोड़ा है, ये ध्यान रखना पीछे की तरफ, जो इसका फ्लैप है ये, ठीक है। अब इसको यहां से लेंगे हम इस तरह से, और ऐसे करते हुए हम इसको पूरा राउंड में इस तरह से अंदर डालते हुए ऐसे करके पूरा राउंड में, देखिए ये बराबर आएगा, इस तरह से आप इसको जोड़ लीजिए। ये देखिए अब ये ज्वाइन हो गया है, देखिए ये इस तरह से आया है, इसको सीधा करके मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये इसकी कैप बन गई है, ठीक है। अब इसको हमने जो हेड है ना, इसको हम बॉडी के साथ में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने इसको बॉडी के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो ये फ्रंट पोर्शन है ना, इसका एक सेंटर ले लीजिए इस तरह से कीजिए और एक मार्क लगा दीजिए। देखिए मैंने लगाया है ये मार्क, ये सेंटर का मार्क है। तो जो ये मजल का सेंटर है ना, इससे इसको ज्वाइन करना शुरू करेंगे। इसको इस तरह से रखिए और पूरा राउंड में आप सिल दीजिए। सिर्फ पीछे बैक साइड में, बैक साइड में थोड़ा छोड़ दीजिएगा, इतना पोर्शन छोड़ दीजिएगा जहां से हम इसको सीधा करेंगे और फिल करेंगे, इतना पोर्शन हम ओपन छोड़ेंगे।
देखिए अब हमने ये ज्वाइन कर लिया है, देखिए इसका हेड और ये बैक में मैंने छोड़ दिया है थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा और छोड़ देंगे, यहीं से हम इसको सीधा करेंगे। अब सबसे पहले हम इसका मजल बंद करते हैं। देखिए मजल, अब मजल में मैं क्या करूंगी, देखिए या तो आप इसमें कोई कपड़ा लगा के थोड़ा सा छोड़ के उस कपड़े में फिल कर सकते हैं, क्योंकि मजल हमको टाइट चाहिए तभी हमारा ये टेडी बेयर अच्छा लगेगा। अब इसमें मैं आपको एक और नया तरीका दिखाती हूँ करने का। हमने लिया, मैंने सुई लिया है बड़ी वाली, सुई में मैंने धागा डाला है, मैं इसके इर्द गिर्द एक कच्ची कच्ची सिलाई लगा लेती हूँ, फिर इसको मैं भरूंगी और उसको मैं खींच के आपको बंद कर दूंगी, वो आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से। देखिए अब सबसे पहले मैं सुई में धागा डाल के ना इसको जो किनारा किनारा जो सिलाई लगाई थी ना उसमें मैं इस तरह से सीधी सीधी स्टिचेस निकाल रही हूँ। देखिए बिल्कुल सीधी सीधी पूरे राउंड में, पूरे गोल में आपको निकालनी है, ये जो कपड़ा बाहर की तरफ है ना सिलाई के बाहर की तरफ उसमें निकालना है आपको। देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधे सीधे स्टेप्स में मैं पिरो रही हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर ला के इसको सुई को छोड़ दूंगी और यहाँ से अब मैं थोड़ा सा फाइबर लेके इसकी जितना भी नोज़ है इसको टाइटली फिल कीजिएगा आप, इसको फिल करके और देखिए नीचे से मैं इसको धागे को खींच के थोड़ा सा आपने यहाँ पर बांध लेना है, टाइट से बांध लेना है। तो ये इसका मजल रेडी हो गया। अब इसको सीधा करते हैं। अब देखिए अब सबसे पहले आपने इसकी आइज़ लगानी है, तो देखिए यहाँ कैंची से थोड़ा काट कट करके और इस तरह से इसका आइज़ लगा के और इसके जो वॉशर है वो बंद कर देना है, तो आइज़ होगी। देखिए अब इसको हम फिल करते हैं, फाइबर लेके आप इसको फिल कर लीजिए। अब ये जो कटआउट था जो हमने छोड़ा था इसको हम सी देंगे सिंपल सा। देखिए इस तरह से एक सिलाई, एक जो सिलाई है हेड की तरफ से और एक बॉडी की तरफ से लेके इस तरह से आप इसको टाइट टाइट खींच के दागा और इस तरह से आप इसका जो ये ओपन एरिया है इसको बंद कर दीजिए। अब ये जो कैप में भी हमने ओपन एरिया छोड़ा था ना, देखिए उसमें भी आपने इस तरह से फाइबर फिल करना है। देखिए इस तरह से कोई भी चीज़ ले लीजिए, पेचकश ले लीजिए या कुछ इस तरह का लंबी आपके पास स्टिक हो या कुछ हो। देखिए उस तरह से मैं इसको अंदर डालते जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रही हूँ और थोड़ा स्टिक से मैं इसको पूरे राउंड में आपने इस तरह से फिल कर देना है। देखिए इस तरह से अब ये फिल होने के बाद में जो इसका ये ओपन एरिया है इसको भी आपने सुई से सिलाई करके बंद कर देना है। देखिए इसको भी इस तरह से हम बंद कर देंगे सिल के। एक सिलाई ऊपर। अब करते हैं इसकी आइज़ की फिनिशिंग। देखिए नीचे से मजल से सुई में धागा डाला, एक आइज़ की तरफ से निकाल के दूसरी आइज़ की तरफ से नीचे और फिर खींच के इसको टाइटली, दोनों दागों को खींच के आप इसको टाइटली बंद कर दीजिए थोड़ा खिंचाव देके, तो ये आइज़ की फिनिशिंग हो जाती है। अब हम इसकी नोज़ बनाते हैं। देखिए ब्लैक थ्रेड डाला है मैंने, थोड़ा मजल के नीचे के पोर्शन से थोड़ा सा पहले मैं ऊपर लूँगी, फिर नोज़ की तरफ से देखिए सुई को नीचे। अब हम साइड को ले लेंगे, जैसा मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा आप, साइड से बिल्कुल दूसरे साइड पर निकाल देंगे और नीचे ला के हम यहाँ पर इसका, इसको यहाँ पर एक नॉट बांध दीजिए, तो ये इसका माउथ रेडी हो गया है। तो देखिए जी हमारा टेडी बनके बिल्कुल रेडी है कैप वाला, और मैंने इसकी नेक के अराउंड एक रिबन लगा दिया है, आप भी लगा सकते हैं, सजाने के लिए कुछ भी यूज़ कीजिए। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।